घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भोर है कृष्ण जी गोपाल रूप में मक्खन के तरफ मक्खन की मटकी जो है ऊपर रखा होता था। तो कृष्ण जी उठे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं और मक्खन की तरफ जाते हैं तो मक्खन चुराते हैं, तब तक वो गिर जाता है, मटकी गिर जाती है और यशोदा मैया को पता पड़ जाता है। तो वो जैसे ही वो आते हैं उनकी तरफ डांटने के लिए उनको, तो कृष्ण जी भागते हैं। इसे एक कॉम्पोजिशन की तरह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं इसमें दो तीन कंपोजिशंस को लेके जैसा मेरा कल्पना है, मैंने जैसे सोचा है अभी, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। पहली माखन चोरी, पहले जब जा रहे हैं चुराने के लिए निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं मटके की तरफ। देखिए कैसे सन्नाटा है, और घिड़ना के देने घेने ये सब चीज है। उनके नुपुर पैर में नुपुर पहनते थे गोपाल, हाँ। तो ये जो देने घेने और दिन का जो है साउंड, आप कल्पना कीजिए कि वो नुपुर का साउंड है। कभी बड़ा स्टेप पड़ रहा है तो नुपुर का, हाँ। सभी ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए और गेंद खेलने लगे। गेंद खेलने लगे तो गेंद खेलने का तो अलग चीज चाहिए, एक अलग अंदाज। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, एक गेंद है, सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। एक जब कोई खेल चल रहा है मैदान में, साथ में कोई बॉल हो या फुटबॉल हो या बच्चे जब खेल रहे हैं, तो उसका जो गेंद का जो लय होता है, गेंद का जो कभी वो धीरे जाता है एक से दूसरा, कभी किसी को लगता है, कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, तो ये अलग अलग लयकारी जो है, तो एक कंपोजिशन उससे मिलता जुलता। तो खेल शुरू हो रहा है, दिन कदन कदा कत टेटा धंत्रार धा नंग 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 तक तर गड़ तक दर गड़ तक धा का दर गड़ तक दर गड़ तक दर गड़ तक तक गड़ तक देने गने ता धागे टेटे देने गेड़े नाग देने तक त्रक तुन ना केड़े नाग तक धने तक तक धने तक धने तक ता कत गद धा कत गद धा कत गद धा कत गद धा
ये चीज आ रहा है। हाँ, तो वो क्या है कि हम उसको देखिए फॉर्मेशन जा रहा है, पहले गेंद आया तो किसने दिया इसको, हाँ तो ऐसे दिन दा कत दा घंत्रा धा लगने 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 ये जा रहा है एक एक बार एक एक से एक, हाँ तक तक कर तक धर कर तक धाका कर तक तुम कर से ना ऐसे करके रुका, फिर तक घेर नक देने घेर तक करके वो जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन आ रहा है। और उसमें भी जो एक ता जो ता का जगह है उसको आप इमेजिन कीजिए कि किसी ने बॉल मारा तो किसी को लगा, तो वो ता का जो रोक है बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत जगह पे वो ता का स्टेप है। हाँ, अगर ताल के हिसाब से देखें तो गुरु जी की कंपोजिशन देखिए कैसा कंपोजिशन, वो खेल चल रहा है मैदान में। संबंध कहीं ना कहीं प्रकृति से है, प्रकृति से संबंध है, प्राकृतिक चीजें हो रही संबंध है, बिल्कुल। हाँ, बरसात हो रही है तो उसका एक अलग बरसात का बूंदे टपक रही है, पावसपरण बना हुआ है। हाँ, तो पावसपरण अभी नहीं, मैं बाद में आपके लिए सुनाऊंगा। बहुत ही ये सब कीमती चीजें हैं। हमारा म्यूजिक इसलिए डिफरेंट है कि हमारा रिदम पोर्शन के लिए भी अलग लैंग्वेज बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड में किसी भी रिदम फॉर्म के लिए लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। वेस्टर्न म्यूजिक में नोट्स देख के करते हैं, तो लैंग्वेज हमारे रिदम में भी है। आप ड्रम्स में अगर बजाना चाहते हो, कोई भी बच्चा जो है स्टिक लेके एक साउंड करेगा तो साउंड तो आएगा, लेकिन तबला का एक साउंड हाथ में आते आते ज़िंदगी लग जाता है। और ये सब वाणियों को हम अलग अलग कल्पना में हम यूज़ कर सकते हैं। और शीघ्र ही आ रहे हैं आपके वीडियोज़ तबला तरंग पे, अलग अलग धुने। तबला तरंग भी में भी कुछ मैं नई चीज़ें आने वाले एपिसोड्स में बजाने की कोशिश करूँगा। और भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कल्पना से आधारित हैं, वो आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ इसके ज़रिए अगर तबला को आप देखें तो तबला इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, तबला बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके एक एक फिंगरिंग पे एक एक जोर एक एक बैलेंस लाने में बरसों लग जाते हैं। बातें करता है तबला, तबला बातें करता है, पूरा साहित्य। मैंने आपको गणेश वंदना तो सुना ही दिया है, बिल्कुल। आपने गणेश वंदना भी बहुत गणेश वंदना भी देखी है, गणेश वंदना भी आ चुके हैं, वो भी देखिएगा। तो इसी तरह से साहित्यिक और रचनाएं तबले के बोलों के माध्यम से साहित्य को कैसे जोड़ेंगे वो अपन करेंगे डिस्कस आगे आने वाले वीडियो। हाँ, धन्यवाद।